हेलो दोस्तों, क्वेस्ट फॉर एडुकेशन चैनल की तरफ से मैं भोलानंद महतो आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रेन का रिलेटिव स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन में एक बार प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, टू ट्रेन अप्रोच ईच अदर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम टू प्लेसेस 420 किलोमीटर अपार्ट, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट। तो दोस्तों, फास्ट ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर, दोस्तों सेकंड ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, जब भी ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेन का स्पीड जोड़ के बनता है, तो रिलेटिव स्पीड इज स्पीड 30 प्लस 40, दोस्तों 70 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर 420 किलोमीटर, तो दोस्तों टाइम हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 420 बाय 70, सिक्स आवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली एट 10 am विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता एट 1 pm विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता टू दिल्ली इज 1220 किलोमीटर, देन एट व्हाट टाइम दे विल मीट टुगेदर। तो दोस्तों, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है, जो कलकत्ता से खुली है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड ट्रेन दोस्तों जो दिल्ली से खुली है उसका स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। यहां पर दोस्तों रिलेटिव स्पीड दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, 60 प्लस 70 दैट इज 130 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यहां पर हमको याद रखना है, ये फास्ट ट्रेन 10 बजे से खुली है, वो 3 घंटा तक चला दिल्ली साइड, तो 3 घंटा में वो 60 × 3 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दिए। तो जो यहां से कलकत्ता से दिल्ली का दूरी है वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर, इसमें से दोस्तों वो फास्ट ट्रेन 1 बजे तक 180 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है, तो अभी डिस्टेंस बचा है, रिमेनिंग डिस्टेंस 180 दैट इज 0 किलोमीटर। तो दोस्तों टाइम डिस्टेंस 1040 बाय स्पीड 130 दैट इज 8 आवर। दोस्तों सेकंड ट्रेन खुलने की 8 घंटा बाद दोनों एक साथ मिलेगी, तो 1 PM प्लस 8 आवर, तो दोस्तों दोनों ट्रेन रात को 9 PM मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए टुवर्ड स्टेशन बी एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए एट 24 किलोमीटर पर आवर, इफ दे मीट आफ्टर 5 hours 30 minutes फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर दोस्तों फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है
स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन 24 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड स्पीड दोस्तों दोनों स्पीड जुड़ जाएगा 36 प्लस 24 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम दोस्तों 5 hours 30 minutes दैट इज 5 1/2 hours और 11/2 hours। तो दोस्तों डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो दोस्तों अगर स्पीड 60 टाइम 11/2 30, सो दोस्तों डिस्टेंस वाज 330 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी टुवर्ड ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर, दे मीट ए पॉइंट व्हिच इज 72 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ए, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 4, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन 12 किलोमीटर पर आवर, दोस्तों रिलेटिव स्पीड स्पीड 18 प्लस 12 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। दे मीट एट ए पॉइंट व्हिच इज 72 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ए, ए से 72 किलोमीटर दूरी पे दोनों एक साथ मिले हैं, तो ए से 72 किलोमीटर दूरी जाने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो दोस्तों डिस्टेंस 72, स्पीड है 18, फोर आवर। दोस्तों ट्रेन 4 hours के बाद एक साथ मीट किए हैं, ए और बी का दूरी होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, दोस्तों स्पीड है 30 और टाइम है 4, 120 किलोमीटर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।